नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या पद्धति के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले हमने आपको दो वीडियो संख्या पद्धति पर प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें सटीक से कैसे हल करते क्वेश्चन को बताया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में पहला क्वेश्चन आज का क्या है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो योग दिया होता है तो हम उसको योग को लिखते हैं, योग 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 कितना दिया है 40, योग कितना दिया है 40, अंतर कितना दिया है अंतर लिखेंगे, योग कितना दिया 40, अंतर दिया है 6। अब क्या करते हैं, योग और अंतर जो दिया होता है उसको जोड़ देते हैं, उसको जोड़ देंगे तो 40 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे 40 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 46 आएगा। अब इस 46 का आधा कर देंगे, आधा करने का मतलब 46 में 2 से भाग करेंगे, जो संख्या आएगी वही हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। 46 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 23 आएगा, तो 23 हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही क्या है बड़ी संख्या होगी, यही क्या है बड़ी संख्या होगी। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, सी ऑप्शन क्या है राइट है। तो इसको जल्दी से लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जो 40 है जब क्या है बड़ी संख्या पूछे तो 40 में 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ने के बाद आधा कर देंगे तो जो जो हमें प्राप्त होता है वही बड़ी संख्या होती है, वही बड़ी संख्या होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का योग कितना दिया है, दो संख्याओं का योग 36 है, कितना है दो संख्याओं का योग 36 है और अंतर कितना है 12 है। इसमें क्या पूछा, इसमें छोटी संख्या पूछी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले आपको बताया क्या लिखेंगे, योग, जो आपका योग दिया, योग कितना दिया है 36, योग 36 दिया है। उसके बाद लिखेंगे अंतर, अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 12, अंतर 12 दिया है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या जब पूछे तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ते हैं, छोटी संख्या पूछे तो घटाते हैं। तो 12 में से 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी अंतर कितना है 24। अब इस अंतर का आधा कर देते हैं, मतलब 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, 2 बारह हम 24, कितना आएगा 12, 12 हमारा क्या होगा आंसर होगा, मतलब छोटी संख्या किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा क्या है राइट आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब संख्या का योग दिया हो और संख्या का अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या अगर पूछे हम तो क्या करेंगे, जोड़ करके आधा कर देंगे तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी, और घटा करके आधा कर देंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी, घटा करके आधा कर देंगे तो छोटी संख्या होगी, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर पहले में देखा और दूसरे में देखा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष आता, कितना आता है 21 शेष आता है, तो उसी संख्या में 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो बाद में जिससे भाग दी गई होती है, बाद में भाग देने पर जो शेषफल आता है उसी में क्या करते हैं, जिससे भाग देनी होती है उसी से भाग दे देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 21 दिया है तो 21 में हम भाग कर देंगे किसका, 21 में हम भाग कर देंगे 19 का, 19 का भाग करेंगे तो 19 से घटाएंगे कितना आएगा तो 2 आएगा, यानी शेष कितना है, शेष हमारा 2 है। तो कहने का मतलब ये रहा कि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि 100 किसी संख्या में किस संख्या से भाग देनी है तो शेषफल इतना आता, तो हमें उस संख्या में ना भाग देकर जो शेष बचा होता है उसी संख्या में भाग देते, जैसा कि इसमें दिया था क्या 14 से भाग देने 21 से, यानी 21 शेष बचा था तो 19 से उसी संख्या में भाग देना था, तो हम उस संख्या में भाग ना देकर के 21 में भाग दिए जिससे कि हमारा क्या है शेषफल 2 आ गया, जिससे कि हमारा क्या है शेषफल 2 आ गया। तो ये रहा आपका आंसर, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट है, सही है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन की नंबरिंग जो आपकी ये तीन कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर क्या कर लेंगे, चार कर लेंगे। यदि किसी संख्या में 35 से भाग दिया जाए, किसी संख्या में 35 से भाग दिया जाए तो चार शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा कि उस संख्या में भाग देने पर क्या शेष बचेगा, लेकिन इसमें क्या दिया, उस वर्ग की संख्या में, शेष के वर्ग की संख्या में भाग देने से क्या बचेगा। तो यानी हमें शेष कितना दिया है, तो शेष पहले हम लिखेंगे शेष कितना दिया है, शेष हमारा क्या है, चार दिया है। और चार दिया है तो कह रहा उसी संख्या के वर्ग में, मतलब उसी संख्या के वर्ग में तो हम शेष का वर्ग कर देंगे, तो चार का वर्ग करेंगे कितना आएगा, चार चौको 16, अब कितना आ गया, 16 आ गया। तो अब उसमें 5 से भाग देने पर क्या शेष आ गया, तो इसमें भी हम 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 घटाएंगे तो एक, कितना शेष बचा, शेष एक बचा, शेष एक बचा। तो किस ऑप्शन में एक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका, राइट, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं कि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेष चार बचता है, हमें इस तरह के क्वेश्चन में शेष को ही लिखना होता है, तो शेष हमने लिखा क्या लिखा, शेष हमने चार लिखा, शेष हमने क्या लिख दिया, शेष हमने चार लिख दिया। अब उसी संख्या के, मतलब उस संख्या का वर्ग करना, तो हम शेष का भी वर्ग कर देंगे, शेष का वर्ग कर दिए, शेष का वर्ग करने के बाद हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। तो 16 का में किससे 5 से हम भाग दिए, तो कितना आ गया हमारा, एक शेष आ गया, और ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स से आपको अगर मैथ लगानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमने पिछले कुछ वीडियो आपको अपलोड कर रखी है, उसको भी देखें, उसमें किस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन बिना पेन उठाए लगे हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू टू वॉच द वीडियो।